हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहां पर आज हम जो बात करने वाले हैं आपके सुपर टेट की बात करेंगे, और सुपर टेट में आपसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, किस तरह से तैयारी करनी है आपको, और सुपर टेट का सिलेबस क्या है, कितने अंक में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चंस जो हैं वो रैंडमली पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। कई बार ऐसा हुआ था कि जैसा कि टेट का था वैसा ही सोच के चले गए थे और वैसा नहीं मिला, सारे पोर्शन अलग नहीं मिलते हैं, रैंडमली होते हैं, जिससे कि थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वो चीज़ें आप पहले समझ लीजिएगा, जिससे कि आप अपना मोटिव वैसा ही तैयार करें जैसा कि पूछा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहले गणित पूछा हुआ है और उसके बाद देखिए पूरा पेज भी गणित का नहीं हुआ, सिर्फ 5 क्वेश्चन गणित के हुए, उसके बाद तुरंत उसने उठा के रख दिया क्या आपका पॉलिटी का क्वेश्चन, मतलब इसको जीएस में काउंट करते हैं। ठीक है, तो जीएस के क्वेश्चन शुरू किए और उसके बाद ऐसा नहीं है, जीएस चलती रही। देखिए अगला क्या किया उसने, देखो यहाँ पे जीएस चल रही है, फिर साइंस आ गई, साइंस के बाद आप देख रहे हैं हिंदी आ गई, ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे रेंडमली करंट आ गई, देखिए है करंट के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो पेपर है वो आपको बताएगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों यहाँ पर हम एक एक चीज़ की टॉपिक की बात करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताएंगे कि बार सुपर टेट में आपके 120+120+ कैसे लाने हैं, उसका तरीका क्या है दोस्तों। और यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लासेस, ठीक है। तो 1 फरवरी से हम यहाँ पे अपनी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों जो व्हाट्सएप नंबर है आपको ग्रुप जो ज्वाइन करना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लिंक से आप क्या करेंगे, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको इस पेपर की और आपके सिलेबस की सुपर टेट की PDF मिल जाएगी। पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पैटर्न अगर पता नहीं होगा तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ मैं ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी कह सकते हैं इसको, और एक हेल्पफुल वीडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से सुपर टेट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि वैकेंसी अब जल्द आने वाली है, लगभग 50,000+, ठीक है, 50,000+ वैकेंसी आपकी 2020 के लास्ट तक तो आ ही जाएंगे, और हो सकता है बीच में आ जाएं, ठीक है। तो इन वैकेंसी को अगर आपको निकालना है, इनमें अपना सिलेक्शन लेना है, तो आपको एक तरीका यूज करना पड़ेगा। वो तरीका क्या है, अगर आपना टेट क्वालिफाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका टेट क्वालिफाई नहीं भी है ना, तो आपको क्या करना है, सी टेट का फॉर्म डाल देना है, और साथ में सी टेट के साथ आप सुपर टेट का भी थोड़ा सा देखते रहिएगा, ठीक है। तो क्या क्या देखना है आपको, सुपर टेट की इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस चैनल पर, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगा, जो ज़्यादातर उम्मीद रहती है कि इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, उन टॉपिकों को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए पेपर में आप देख रहे हैं, ये जो उधर आपका 2018 में हुआ था ना सुपर टेट, 2018 का सुपर टेट का पेपर है ये। और इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस कैसे रहता है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए आपके भाषा से पूछे जाएंगे 40 अंक के, और भाषा में आपकी रहेगी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद आपके विज्ञान से पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद गणित से पूछे जाएंगे आपके 20 प्रश्न, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, इसके बाद शिक्षण कौशल से पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, और 10 ही नंबर गए, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है तो नंबर भी बाल सकते हैं। बाल मनोविज्ञान से पूछे जाएंगे 10। उसके बाद सबसे बड़ा जो पोर्शन है सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं से, ये 30। यहाँ पे करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके बाद आपके रीजनिंग से आएंगे 5 नंबर का, आपका तकनीकी से आएगा 5 नंबर का, और जीवन कौशल और प्रबंधन से आएंगे 10 नंबर का। तो आपका सबसे ज़्यादा कौन सा है, देखो सबसे पहले की बात यह है कि ये 40 का जो आपका है शुरुआत का, वो बहुत ही आपका स्ट्रांग रखना है, और इसमें से 30+ ही आपको चाहिए, 30+, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो गणित का भी एक अच्छा रोल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है 20, तो 20 का रोल यहाँ पे सिर्फ गणित का है, और एक 30 का रोल यहाँ पे है। तो देखिए 30, 20 और 40, ठीक है, 40, 30, 70 और 20, 90 नंबर, 150 में से 90 नंबर के ये 3 पोर्शन अकेले घिरे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन पोर्शनों पे आपको फोकस कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा, और आप भी पहले इन भी पे फोकस करिएगा। अब देखिए कैसे रैंडमली पेपर आता है, तो सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न देख लेना है, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि लोग एडवांस मैथ पे फोकस कम करते हैं, और पहला ही क्वेश्चन देखो एडवांस मैथ के बीजगणित पार्ट से लिया गया है, और यहाँ पर अगर आपको ये नॉलेज होगी
तो आप नॉर्मल नॉलेज के क्वेश्चन से, ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एलजेब्रा पढ़ना है, नहीं, नॉर्मल तरीके से अगर आप पढ़ने पड़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर देखिए एडवांस का ही दूसरा क्वेश्चन देख दिया उसने, ठीक है, आपका ये जो रहेगा समांतर चतुर्भुज वगैरह से है, तो देखिए दूसरा पार्ट ज्यामिति से दे दिया। तीसरा अगर हम बात करें तो देखिए ये अलग अलग अर्थमेटिक से आया और फिर से एडवांस से आया, तो इस तरह के आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रेंडमली भी हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चंस रेंडमली भी हैं। रेंडमली का मतलब क्या है, रेंडमली का मतलब हमने आपको बताया था, देखिए गणित चल रहा था और पांच क्वेश्चन के बाद क्या आया, आपकी जीएस आ गई। अगर इसी तरह से देखा जाए तो पूरा पेपर आपको देखना है एक बार, बुद्ध चरित्र देखो हिंदी आ गया, फिर पर्यावरण का क्वेश्चन आ गया, देखो थीम क्या थी, तो इस तरह से आपको क्या करना है ये पेपर एक बार अपना जो तैयारी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अभी से अगर आप तैयारी करेंगे अच्छे से, अगर आपको 120 प्लस की बात कर रहा हूँ, 120 तक तो इजी ले जाते हैं, एक आपको 90 लाने हैं 80 लाने हैं तो एकदम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप 120 प्लस अगर लाएंगे तो आपको अभी से मेहनत स्टार्ट कर देनी है। और सिलेक्शन अगर पक्का करना है तो आपको 120 क्वेश्चन मतलब स्कोर करना ही होगा। इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, तो फोकस सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ जो चीज़ें मैं यहाँ पे कराऊँगा अपने इस चैनल पे, उनको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेबस ख़त्म नहीं कराऊँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ सिलेबस इसलिए ख़त्म नहीं कराऊंगा क्योंकि सिलेबस में क्या है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा और बहुत पढ़ के नंबर ला पाएंगे, और यहाँ कम पढ़ने पे ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो देखिए आप वहाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद से पढ़िए, किताबों से पढ़िए, कोचिंग अगर आपके पास मिल जाता है तो और अच्छी बात है, वहाँ से पढ़िए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो वीक रह जाएंगे कोचिंग के माध्यम से पढ़ेंगे और कहीं भी रह जाएंगे, तो उन पॉइंटों को मैं यहाँ पे डिस्कस अच्छे से करूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी क्योंकि यहाँ पे अगर हम आपको क्लास देंगे तो रोज़ाना 3 घंटे की क्लास कम से कम चाहिए आपको, तो यहाँ पे 3 घंटे की क्लास अगर बच्चे कम ऐड होंगे, जुड़े होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। अब मुख्य बिंदु क्या हैं, देखिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक जो गणित में होता है अगर बात करें तो आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे संख्या पद्धति से, तो बुक टॉपिक में डिस्कस करूंगा ही करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे नहीं लाभ हानि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पिछले अभी जो टेट हुआ है उसमें कोई लाभ हानि का क्वेश्चन ही नहीं था, तो आपको बताऊंगा कि लाभ हानि तो बाद में आएगा क्योंकि कैलकुलेशन तो उसमें भी है, तो संख्या पद्धति से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम बात किसी EBS की करें तो EBS में क्या है, EBS में आपका जो कह सकते हैं कि पारिवारिक वातावरण और ये जो आपका सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट होता है उससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो बनाना है। अगर आप हम दूसरे टॉपिक पे अगर चले जाएं, हिंदी में बात करें कि हिंदी में कौन सा करना है, तो हिंदी में आपके देखो समास वगैरह हैं, अलंकार वगैरह हैं, ये तो पूछे ही पूछे जाते हैं, तो इनको भी कन्फर्म कर लेना है, और विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, ये तो आते ही आते हैं हर बार, तो इन टॉपिकों पे जितने भी हैं मैं डिस्कस करूंगा, ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कैसे। अगर हम बात करें कि आपका 30 नंबर का जो घटनाओं से आएगा, तो घटनाओं में क्या है वो करंट होगी, और करंट के यहाँ पे हम मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन 30 का है, और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर फंसेंगे जो मैं करंट पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप उन क्वेश्चनों को जितने भी करंट के हैं उनको जरूर नोट डाउन करते रहिएगा साथ के साथ। और लास्ट में मैं हर हफ्ते करंट कराने के बाद एक प्रैक्टिस सेट रखा करूंगा जिसमें आपको रिविजन हो जाएगा और आप कर सकेंगे कितने क्वेश्चन आपने कर लिए। तो उसके लिए सबसे पहला क्या जरूरी है कि ये पेपर आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, और आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको इस जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे होंगे इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जाइएगा वहाँ लिंक मिलेगी, अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, आप तुरंत ऐड हो जाएंगे क्लिक करते ही, ठीक है। तो वो सुपर टेट के लिए स्पेशल ग्रुप बना रहा हूं, बाकी के लोग उस पे ऐड ना हो, सिर्फ मैं यहां पे सुपर टेट की तैयारी करूंगा, बाकी के अगर यूपी टेट और सी टेट वाले हैं तो वो अदर ग्रुप बने हुए हैं, आप वहां पे कमेंट करके बताइएगा, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वीडियो है मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया हुआ है, ये पूरा पेपर है, वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये जो पूरा पेपर पूछा गया था 2018 में आया था, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में पहले मैथ था और लास्ट में भी फिर ले जाके उन्होंने मैथ ही रख दिया है, देखिए ठीक है आप देख रहे होंगे,
लास्ट में, ये सब सारा आपको देखना है एक बार। मैं यहाँ पे फास्ट दिखा रहा हूँ, इसमें अलग अलग नहीं आता, संस्कृत भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो एक ही में आती है क्योंकि ये सबको करनी होती है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन ऑप्शनल नहीं होता, सारे कंपलसरी होते हैं, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये पूरा पेपर था, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से आप देख, आपको हम दिख रहा था शुरुआत में बीजगणित से स्टार्ट किया और यहाँ भी बीजगणित के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो इस बार अगर सुपर टेट में देखा जाए तो एडवांस का अच्छा पार्ट आता है, ठीक है। तो इन्हीं की बात करूँगा कि किसमें कितने कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं और उन पर मैं फोकस करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ज़्यादातर लोग जुड़ सकेंगे और हम आपको जल्दी से जल्दी क्लास प्रोवाइड करा सकेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो।